systems with the ICAE delegates. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर मतिन कैन, नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश जी, भारत और अन्य देशों के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, रिसर्च से जुड़े अलग अलग यूनिवर्सिटी के हमारे साथी, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि 65 साल के बाद ICAE की ये कॉन्फ्रेंस भारत में फिर हो रही है। आप दुनिया के अलग अलग देशों से भारत आए हैं, भारत के 120 मिलियन किसानों की तरफ से आपका स्वागत है। भारत की 30 मिलियन से ज्यादा महिला किसानों की तरफ से आपका स्वागत है। देश के 30 मिलियन फिशरमैन की तरफ से आपका स्वागत है। देश के 80 मिलियन से ज्यादा पशुपालकों की तरफ से आपका स्वागत है। आप आज उस देश में है जहाँ जैसा होगा वैसे रिकॉर्डिंग ले लेगा। 500 क्रॉप मारना है मैदान देश भारत में, जीव प्रेमी भारत में कहाँ बोल रहे हैं यार? आपका स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, भारत जितना प्राचीन है इतना मैं भी उतनी ही ये बोल सकता है, ये प्राचीन बायोलॉजिकल तो बचा नहीं है। एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हरिद्वार हमारी मान्यताएं, अपना हमारे अनुभव और भारतीय कृषि परंपरा में साइंस को, लॉजिक को प्राथमिकता दी गई। लाना आज पहले माइक चेक कर लो। फूड और न्यूट्रिशन को लेकर इतनी चिंता दुनिया में हो रही है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, बढ़ाओ ऑक्स की बढ़ाओ सर, अन्नम ही प्रधानम ज्येष्ठम, ऑक्स वाली बढ़ाना, सर्वोषधम उच्यते, पहले मैं एक ही चेक कर लो उसके बाद करते हैं। सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, आ रही है कम आ रही है, इसलिए ठीक आ रही है। अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, पीछे का मूल कहा, हेलो माय चेक, हमारे अन्न को औषधीय प्रभावों के साथ इस्तेमाल करने का पूरा आयुर्वेद विज्ञान, ये पारंपरिक नॉलेज सिस्टम भारत के समाज जीवन का हिस्सा है। फ्रेंड्स, लाइफ और फूड को लेकर ये हजारों वर्ष पहले का भारतीय विजडम है। इसी विजडम के आधार पर भारत में एग्रीकल्चर का विकास हुआ है। भारत में करीब 2000 वर्ष पहले कृषि पराशर नाम से जो ग्रंथ लिखा गया था वो पूरे मानव इतिहास की धरोहर है।
ये वैज्ञानिक खेती का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसका अब ट्रांसलेटेड वर्जन भी मौजूद है। इस ग्रंथ में कृषि पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, बादलों के प्रकार, रेनफॉल को नापने का तरीका और फोरकास्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैविक खाद, पशुओं की देखभाल, बीज की सुरक्षा कैसे की जाए, स्टोरेज कैसे की जाए, ऐसे अनेक विषयों पर इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत में एग्रीकल्चर से जुड़ी एजुकेशन और रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान हैं। भारत में एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज है। भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसानों तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचाने में मदद करते हैं। साथियों, भारतीय कृषि की एक और विशेषता है, भारत में हम आज भी 6 सीजन्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ प्लान करते हैं। हमारे यहाँ 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की अपनी खासियत है। भारत में अगर आप कुछ 100 किलोमीटर ट्रेवल करें तो खेती बदल जाती है। मैदानों की खेती अलग है, हिमालय की खेती अलग है, डेजर्ट ड्राई डेजर्ट की खेती अलग है, जहाँ पानी कम होता है वहाँ की खेती अलग है और कोस्टल बेल्ट की खेती अलग है। ये जो डाइवर्सिटी है यही ग्लोबल फूड की सिक्योरिटी के लिए भारत को उम्मीद की किरण बनाती है। फ्रेंड, पिछली बार जब ICAE की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी तो भारत को उस समय नई नई आजादी मिली थी, वो भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत के एग्रीकल्चर को लेकर एक चैलेंजिंग टाइम था। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, सुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। इसलिए फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषय को डिस्कस करने के लिए भारत के अनुभव बहुमूल्य है। इसका बहुत बड़ा लाभ विशेषकर ग्लोबल साउथ को मिलना तय है। साथियों, विश्व बंधु के तौर पर भारत मानवता के कल्याण को सर्वोपरि रखता है। G20 के दौरान भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का विजन सामने रखा था। भारत ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लाइफस्टाइल
यानी मिशन लाइफ का भी मंत्र दिया है। भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ इनिशिएटिव भी शुरू किया है। हम ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्थ को अलग अलग नहीं देख सकते। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स के सामने आज जो भी चैलेंजेस हैं, इनको वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही निपटा जा सकता है। साथियों, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंटर पे है। हमारे यहाँ करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है। ये छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है। इसलिए भारत का मॉडल कई देशों के काम आता है। जैसे उदाहरण के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग का, भारत में हम बड़े पैमाने पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहाँ राइस की कुछ वैरायटी ऐसी भी है जिनको ट्रेडिशनल वैरायटी के मुकाबले 25% कम पानी चाहिए। हाल के वर्षों में हमारे यहाँ ब्लैक राइस सुपर फूड के रूप में उभरा है। हमारे यहाँ मणिपुर, असम और मेघालय की ब्लैक राइस को इसकी मेडिसिनल वैल्यू के कारण पसंद किया गया। भारत से जुड़े अनुभव विश्व समुदाय के साथ शेयर करने के लिए उतना ही उत्सुक है। फ्रेंड्स, आज के समय में पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही न्यूट्रिशन भी एक बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन भी भारत के पास है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है। ये मिनिमम वाटर मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं। भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत अपने सुपर फूड के इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं। साथ ही भारत की पहल पर पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया। फ्रेंड्स, बीते एक दशक में हमने फार्मिंग को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्ट लैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। जब अलग अलग वायर लगी हुई है तो एक पे कैसे?
यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था, बस रुको आप, और उससे जुड़े सेक्टर लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 90 लाख हेक्टर खेती को हमने माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा, हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से भी खेती और एनवायरनमेंट दोनों को लाभ हुआ। हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, भारत में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक क्लिक पर 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 30 सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। हम डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारे किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकेंगे। हमारी इस पहल से करोड़ों किसानों को फायदा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। सरकार लैंड के डिजिटलाइजेशन का भी बहुत बड़ा अभियान चला रही है। किसानों को उनकी लैंड का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा। ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं। ड्रोन से होने वाली खेती की कमान महिलाओं को हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है। कि जो भी कदम है, इनसे भारत के किसानों का तो फायदा हो गया ही, इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी ताकत मिली। फ्रेंड्स, आने वाले 5 दिनों में आप सभी यहाँ खुलकर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ मैं बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी देखकर अधिक प्रसन्न हो रहा हूँ। आपके आइडियाज पर सबकी नजर रहेगी। मैं आशा करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस से हम दुनिया को सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम से जोड़ने के रास्ते खोज सकेंगे। हम एक दूसरे से सीखेंगे भी और एक दूसरे को सिखाएंगे भी। साथियों, आप कृषि जगत से जुड़े हुए लोग हैं तो एक और जानकारी आपके सामने रखना मुझे बड़ा मन करता है। मुझे पता नहीं है दुनिया में कहीं किसी किसान का स्टैच्यू। हमने दुनिया में सबसे ऊंचे स्टैच्यू के रूप में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की चर्चा सुनी, लेकिन मेरे सारे कृषि जगत के लोगों को जानकर के खुशी भारत में बाकी समान तो वहीं से लो आजादी के नीचे तक लाना है, मतलब वो वाला हां वो खाली ऐसा में शरीर लाना है ना अपने, बाकी सब तो वहीं पैक होगा। लोगों को वहीं पे सारा मामला किसानों को आजादी के आंदोलन का मुख्य धारा में जोड़ा। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल उसकी ऊंचाई है और एक किसान नेता की। और दूसरी विशेषता है, ये जो स्टैच्यू बनाया गया तो भारत के 600,000 गांवों से, हाँ स्टैंड बाय नहीं रहेगा, हर गांव में किसानों से कहा गया तो वहाँ कितना है कि आप
खेत में वहाँ वाला वहाँ भी अटका ही लोहे के औजार का उपयोग करते पैसा अपने खेत में उपयोग किए हुए औजार का टुकड़ा हमें दीजिए। 6 लाख गाँव खेतों में उपयोग किया गया लोहे का औजार लाया गया। हाँ यहाँ दुआई काफी है और दुनिया के एक पोडियम नीचे माइक देखे से दिक्कत है ना कि कम जाके माइक करना फिर ऊपर आओ। खेत में उपयोग किए औजार का मेल्ट करके लोहा उपयोग किया गया। मैं जरूर मानता हूँ कुछ दिए थे वो अप्रूव कर आगे लिखेंगे और चीजें बना लेंगे कुछ चीजें तो है सर विश्व में ऐसा कहीं। अरे तू देख क्या रहे हो बंद कर दो कुछ बोलोगे क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा खाली क्रॉप करना है डाल देना है कुछ नहीं करना है सस्वजन नहीं समझ देना है पीएमओ चैनल पे कोई कॉपीराइट नहीं ये लोग भी नहीं देखो पे आ गए अभी जाना था ना चलो अब तो आ गए चलो आप आ गए थे यार चलो दो पे क्यों खुला वो हमने तो जीरो दबाया था किसने दबा के भाग गया होगा फिर से नहीं होते तो इधर से ही चलो ना फिर हाँ वो तो उस दीवार के